वेलकम टू मीरप्स किचन। आज मैं आपके साथ आलमंड मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही मजे का और क्रीमी सा मिल्क शेक बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बादाम के मिल्क शेक के लिए चाहिए बादाम 150 ग्राम है। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। पानी आपने इसमें इतना डालना है कि बादाम इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हो चुके हैं और इनका छिलका भी बहुत आसानी से उतर रहा है, तो मैं इनके सब के छिलके उतार लेती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ बादाम पिस्ता दूध की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैंने सर्दियों में बनाई थी। उसी रेसिपी को आप गर्मियों में भी बर्फ डाल के बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बादाम डालेंगे। दूध इसमें ऐड करेंगे। दूध मैं हाफ पहले इसमें डालूंगी और हाफ हम बाद में डालेंगे। खोया इसमें ऐड करूंगी। ये मेरा होममेड खोया है। इसका लिंक भी मैं आई कार्ड में दे दूंगी, वो भी आप जरूर देखें। चीनी इसमें ऐड करेंगे, ये 6 टेबलस्पून है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, और इन सब चीजों को ब्लेंड कर लेंगे। दो मिनट तक मैंने इसे ब्लेंड किया, सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब एक ग्लास जो बाकी दूध बचा था वो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे चिल करने के लिए मैं इसमें बर्फ ऐड करूंगी। और एक से दो मिनट के लिए इसे मैं फिर से ब्लेंड कर लूंगी, ताकि बर्फ जो है ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिल्क शेक हमारा तैयार है, तो हम इसे ग्लासों में ट्रांसफर करते हैं। मजे का बादाम और खोए का मिल्क शेक तैयार है, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।